नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो क्योंकि काफी सारे बॉटम वेयर हैं. सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइस वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल. हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर डूइंग गुड. सो यस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज अनव्या शर्मा. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू विल टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसे मिस ना कर पाए. एंड हां जी, आप आज के वीडियो के टाइटल से पढ़ ही चुके हैं दैट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन बॉटम वेयर. तो ये जितने भी बॉटम वेयर हैं ये सारे फेस्टिव वाले होने वाले हैं, मतलब ये सारे फेस्टिवल वाले बॉटम वेयर्स हैं जो कि आप बहुत ही इजीली इस फेस्टिव सीजन इनको स्टाइल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ये जितने भी बॉटम वेयर्स हैं दे आर फ्रॉम द ब्रांड 11. तो इफ यू स्टिल डोंट नो अबाउट द ब्रांड 11, तो 11 डील करता है बॉटम वेयर में, बी इट क्लॉथ्स, बी इट ट्राउजर, ट्रैक पैंट, सिगरेट पैंट्स, प्लाजोज, चूड़ीदार्स और स्कर्ट्स. ऑफ कोर्स आपको जो भी टाइप के बॉटम चाहिए यू जस्ट नेम देम एंड दे हैव इट. सो यस जल्दी से जाना 11 के वेबसाइट पे, आपको जिस भी टाइप का बॉटम वेयर चाहिए हो वहां से ले लेना बिकॉज देयर प्रोडक्ट क्वालिटी इज टॉप नॉच और आपको बहुत सारे वेराइटी भी मिल जाते हैं एंड ऑल्सो कलर वेरिएशंस भी काफी ज्यादा है उनके पास. सो आई वुड तो डेफिनेटली टेल यू कि अगर कभी भी बॉटम वेयर लेने हो तो 11 पे जाना. एंड ऑल्सो 11 इज अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल, तो आप Amazon से भी 11 के बॉटम्स को शॉप कर सकते हैं. एंड यस नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो क्योंकि काफी सारे बॉटम वेयर हैं. सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो अ लिटिल डिस्क्लेमर बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो कि हो सकता है मैं जो आपको प्राइस बताऊं और जब आप प्राइस चेक करो तो थोड़ा सा डिफरेंस आए बिकॉज 11 पे सेल चलती रहती है. सो इसलिए प्राइजेस में वैरी. सो हां जी, फर्स्ट इन द लाइन इज दिस ब्लैक कलर पोलका डॉट स्कर्ट. नाउ आई हैव पिक दिस इन साइज मीडियम और इसका जो मटेरियल है दैट इज पॉलिएस्टर, लिटिल जॉर्जेट सॉर्ट ऑफ आपको इसका मटेरियल मिल जाता है. अब क्योंकि जॉर्जेट है तो ऑफकोर्स इसका जो फॉल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. अब आई एम साइज स्मॉल बट मैंने इसको पिक करा है साइज मीडियम में बिकॉज मेरे को ना स्कर्ट वगैरह में एकदम टाइट फिट नहीं अच्छा लगता है बिकॉज थोड़ा मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि फिर उसमें ना बहुत ऐसे आपका जो फैट है वो बहुत ऐसे बल्ज आउट टाइप का लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम रिलैक्स फिट में थोड़ा सा पहनना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस इन साइज मीडियम. अब ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और अंदर आपको काफी प्रॉपर इसमें लाइनिंग भी मिल जाती है. सो यस बिकॉज ऑफ विच इट is not see through at all. अब अगर हम बात करें इस पे जो पोलका डॉट प्रिंट पैटर्न दिया है तो वो आपको हल्का से ऐसे गोल्डन में मिल जाता है एंड यू कैन वेरी वेल स्टाइल दिस स्कर्ट या तो गोल्डन क्रॉप टॉप के साथ या ब्लैक ऑफकोर्स आप उसके साथ इसको बहुत ईजिली स्टाइल कर सकते हैं. एंड ये वाला जो स्कर्ट है ना ये ऐसा है कि आप इसको वेस्टर्न प्लस इंडियन दोनों वेज में आप इसको बहुत इजीली स्टाइल कर सकते हैं. आई लव द फ्लेयर ऑफ दिस स्कर्ट टू, काफी अच्छा फ्लेयर आ रहा है पहनने पे. एंड यस प्रीटी मच दैट्स इट फॉर दिस वन. इसकी जो लेंथ है वो आपको एंकल लेंथ तक ये प्रॉपर मिल जाता है. एंड हाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी मैं ऐसा छोड़ रही हूँ इसके बारे में, बट हाँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है इन सारे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड कमिंग बैक ऑन टू दिस स्कर्ट, सो दिस स्कर्ट आई गॉट इट फॉर ₹635. सो हाँ जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर टू आई हैव दीज टू स्कर्ट्स. अब दोनों ही एक साथ इसलिए क्योंकि दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम स्कर्ट है, बस कलर वेरिएशन है. बट दोनों कलर इतने ज्यादा मेरे को अट्रैक्टिव लग रहे थे, प्लस ये दोनों ही कलर बहुत ज्यादा न्यू भी थे, तो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दोनों की दोनों ही कलर. तो एक आपको ग्रे कलर मिलता है एंड दूसरा आपको पैरेट ग्रीन कलर मिलता है. तो मैं कोई भी एक आपको बता देती हूँ कि कैसा है. एग्जैक्टली जो दूसरा वाला स्कर्ट है वो भी सेम वही विशेषताओं के साथ है. सो यस दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट एज यू कैन सी एंड आई हैव पिक दिस इन साइज मीडियम और इसका जो मटेरियल है दैट इज विस्कस. अब इसके अंदर आपको लाइनिंग नहीं मिलती है बट इसका जो मटेरियल है वो ही बहुत ज्यादा थिक है, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं हो रहा है. एंड प्लस द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज टॉप नॉच. इसका कपड़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि झिर जाए या समझ रहे हो कि हल्के से में फट जाए, बहुत ही थिक मटेरियल है. अब पूरे स्कर्ट पे आपको फॉइल प्रिंट मिल जाता है. जो फॉइल प्रिंट है वो एक्चुअली दो कलर से किया गया है, वन इज गोल्डन एंड अनदर वन इज डार्क ग्रीन. ये
पैरेट ग्रीन वाले पे, तो वो जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. प्लस ये एकदम फेस्टिवल वाइब दे रहा है, क्योंकि पूरा की पूरा ये जो गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही उठ के आ रहा है एंड एकदम ऐसे बहुत अट्रैक्टिव और ऐसे यू नो बहुत ही आई कैचिंग सा लग रहा है. तो दैट्स व्हाई आई लाइक इट अ लॉट. अगर हम वेस्ट बैंड की बात करें तो इसमें आपको इलास्टिक वेस्ट बैंड मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है एंड पहनने पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ आपको एंकल लेंथ इसमें मिल जाती है एंड ऑल्सो जो इसका घेर है, जो इसका फ्लेयर है, वो आपको काफी ज्यादा मिल जाता है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे सीधा सा और थोड़ी सी भी फ्लेयर नहीं है, इस टाइप का स्कर्ट नहीं है. बिल्कुल बहुत ही अच्छी फ्लेयर आ रही है और जो हेम है वो आपको हल्की सी ऐसे कर्व्ड हेम इसमें मिल जाती है. सो आई रियली लाइक दिस स्कर्ट अ लॉट. अगर हम ग्रे वाले की बात करें तो विशेषताएं जैसे मैंने आपको बताया वो तो एग्जैक्टली सेम हैगी, बस जो कलर है वो आपको इसमें ग्रे मिल जाता है गोल्डन एंड उसपे हल्का सा अगर आप देखो तो मजेंटा पिंक जो रहता है उससे भी आपको इसमें डिटेलिंग मिल जाती है. तो वो कलर कॉम्बिनेशन जो है ग्रे गोल्डन और मजेंटा का, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. एंड ये दोनों ही स्कर्ट ऐसे हैंगे जो आप बहुत ही अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं इस फेस्टिवल सीजन. इस पे यू कैन वेयर समथिंग गोल्डन कलर का, या तो अगर आप चाहो तो इसमें आप मजेंटा कलर का ब्लाउज क्रॉप टॉप भी वेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें वही कलर की पूरी डिटेलिंग आपको मिल रही है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. एंड अगर हम ग्रीन के साथ बात करें तो इसमें क्योंकि आपको डार्क ग्रीन अंदर मिल रहा है तो आप डार्क ग्रीन कलर का भी अपर पहन सकते हो, वो टॉप नॉच लगेगा, लिटरली टॉप नॉच. एंड यस प्रीटी मच दैट्स इट फॉर दीज टू स्कर्ट्स. आई एब्सोल्युटली लव देम. और पूरे हॉल में से ये वाले जो दो स्कर्ट्स है ना, दे आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड यस आई हैव गॉट दीज फॉर रुपीज 544. तो हाँ जी, मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर 3, आई हैव दिस डार्क ब्लू कलर स्कर्ट. नाउ आई हैव पिक्ड दिस इन साइज मीडियम अगेन एंड इसका जो मटेरियल है दैट इज पॉलिएस्टर. अब इसका जो मटेरियल है ना वो हल्का सा पतला है, बहुत ज्यादा पतला तो मैं नहीं बोलूंगी, हल्का सा पतला है, बट बिकॉज डार्क कलर है तो ये सी थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर आपको फिर भी आशंका हो तो इसके अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है, तो और ही ये बिल्कुल एकदम ऐसे सील्ड पैक है, कहीं से भी थोड़ा भी सी थ्रू नहीं हो रहा है. अगर हम स्कर्ट की बात करें तो ये आपको एंकल लेंथ मिल जाता है, इसमें भी आपको फ्लेयर काफी अच्छा मिल जाता है. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं मिल रहा है जैसे पहले दो स्कर्ट्स में मिला था, बट हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही कम फ्लेयर है और एकदम ऐसे सीधा सा कट है, ऐसा नहीं है. अगर हम वेस्ट की बात करें तो इसमें भी आपको इलास्टिक बैंड मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल है. अगर हम प्रिंट की बात करें तो इसमें भी आपको पूरे में फॉल प्रिंट मिल जाता है, बट क्योंकि ये नेवी ब्लू के ऊपर है तो वो जो गोल्डन कलर का फॉल प्रिंट है वो बहुत ही ज्यादा उठ के आ रहा है. एंड एक्चुअली वाला जो स्कर्ट है ये बहुत ही ज्यादा यू नो ऐसे हेवी लग रहा है पहनने पे एंड फेस्टिवल्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा. एंड ऑल्सो दिस इज वेरी लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप इसको बहुत आराम से कैरी कर पाओगे. जो मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करेगा, सो इसलिए मेरे लिए तो ये वाला स्कर्ट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है. एंड यस प्रीटी मच दैट्स इट. नाउ दिस स्कर्ट आई हैव गॉट इट फॉर रुपीज 682. सो हाँ जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर 4, आई हैव एकदम फेस्टिवल वाला स्कर्ट. सो दिस इज इन कलर रेड एज यू कैन सी एंड आई हैव पिक्ड दिस इन साइज मीडियम और इसका जो मटेरियल है दैट इज विस्कस. अब ये दिवाली या कोई और फंक्शन के हिसाब से तो परफेक्ट है ही, बट एनी ऑफ यू हु आर कीपिंग करवा चौथ तो उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट है, क्योंकि एकदम रेड कलर है एंड पूरे में आपको इसमें जरी वर्क मिल जाता है एंड पूरा जो जरी वर्क किया गया है वो बहुत ही ज्यादा नीट लग रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है यू नो कि थोड़ा बहुत भी ऐसे निकला या उधड़ा हुआ हो, बहुत ही परफेक्टली करा हुआ है. अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये आपको एंकल लेंथ मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको प्रॉपर लाइनिंग मिल जाती है, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल रही है. एंड यस प्रीटी मच दैट्स इट. जो इलास्टिक वगैरह है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो पहनने पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड दिख भी बहुत ज्यादा सुंदर रहा है. सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि आप जरूर ये वाला स्कर्ट ले लो एंड ऑल्सो यू कैन स्टाइल इट. आप इसके ऊपर जो अपर है वो रेड और गोल्डन तो पहन ही सकते हो, उसके साथ आप या तो ग्रीन या तो येलो भी पहन सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा. एंड यस प्रीटी मच दैट्स इट फॉर दिस स्कर्ट. मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा है इसमें बताने लायक, बट अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो सो यस कॉमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू गाइज. कमिंग बैक ऑन टू इट, सो दिस स्कर्ट आई गॉट इट फॉर रुपीज 817.
हाँ जी, नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ आर टूडेज हॉल। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसमें मैं एकदम से ऑपोजिट ही डायरेक्शन में चली गई। तो अभी तक मैंने आपको दिखाए थे स्कर्ट, और अब जो है दैट आई हैव इज अ ट्राउजर, दैट इज प्लाजो पैंट्स, नॉट ट्राउजर, प्लाजो पैंट्स। सो आई हैव पिक्ड दिस इन साइज मीडियम अगेन, और इसका जो मटेरियल है दैट इज रेयॉन। अभी आपको मस्टर्ड येलो कलर में मिल जाता है, एंड इस पे भी आपको पूरे में वही गोल्डन फॉइल प्रिंट मिल जाता है। अब ये वाला मैंने पिक इसलिए करा बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट कि प्लाजो पैंट्स 11 के है कैसे, एंड टू माई अमेज दे आर परफेक्ट, दे आर अमेजिंग। इसका फिट बहुत अच्छा है, और ना रेडीमेड प्लाजो पैंट्स खरीदने में ना हमेशा यही प्रॉब्लम जाती है कि फिट सामने से बहुत ही कभी कभी ऑकवर्ड आ जाता है, जो आप नहीं पहन पाते हो, या तो सामने से या तो फिर नीचे से जो उसके कॉर्नर्स रहते हैं ना वो ऐसे उचक जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। बट इसका फिट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर हम वेस्ट पे से बात करें तो पीछे आपको इलास्टिक बैंड मिल जाता है, एंड सामने से आपको इसमें फ्लैट बैंड मिल जाता है। और भी जो बहुत ही अच्छी बात है इस प्लाजो की, वो ये है कि इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाती है, मतलब और क्या ही लोगे, तो आपको पॉकेट भी मिल जाती है, वो भी दोनों साइड। एंड यस, द मटेरियल इज टॉप नॉच, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल है, बिल्कुल भी ऐसा पतला दुबला सा नहीं है कि यू नो बहुत जल्दी झड़ जाएगा या फट जाएगा, ऐसा मटेरियल नहीं है, काफी अच्छा मटेरियल है, एंड बिल्कुल भी ये सी थ्रू नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्लाजो अ लॉट। इस पे जो आपको पूरा पूरा प्रिंट किया गया है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे सभी बहुत ज्यादा पसंद आया, 100 बार तो मैं अ लॉट करके बोल ही चुकी हूँ। सो यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट दिस प्लाजो। अब मैंने मंगाया तो एक ही था, बट यस, इसमें भी आपको बहुत सारे वेराइटी, वेरिएशन, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ मिल जाता है। सो आप उसमें से भी जाके इस प्लाजो को पिक कर सकते हैं, एंड या प्रीटी मच दैट्स इट। नाउ दिस आई गॉट इट फॉर ₹632। And yes guys, that was it for today's haul video. I really hope कि मैंने जितने भी आपको एकदम festival वाले bottom wear दिखाए वो सारे ही आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, एंड इसमें से if you wish to buy any of it, so the link would be there in the description box, also in the pinned comment, so definitely go and check it out. And also ये सारे product बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका material भी perfect है, and इसका fit भी एकदम perfect है, तो एकदम आप आंख बंद करके ले सकते हो। आंख बंद करके तो मतलब समझ रहे हो ना, आंख बंद करके एज इन सोचने की जरूरत ही नहीं है ये सब चीजों के बारे में कि यार मटेरियल कैसा रहेगा या फिट कैसा आएगा। उस मामले में 11 के बॉटम वेयर्स आर परफेक्ट। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई बॉटम वेयर लेना हो, सो यू नाउ नो कि आपको कहां जाना है, यू डायरेक्टली हैव टू गो टू 11's वेबसाइट। And yes, if you like this video, give it a big thumbs up, like, share, comment, and subscribe to my channel. And yes, I will see you all guys next time. Also, you can tell me in the comment section down below that what more haul videos do you want me to create, and I will definitely make it for you guys. Till then, bye bye, see you, and I love you like always.